चुकी हैं, कुछ बन रही हैं। और साथ में बनी है भिंडी की सब्जी, कुरकुरी भिंडी जैसे कि आप देख सकते हैं। और रोटी बन रही है, तो बने रही है लोग में। इधर चाय अभी बनेगी। और तो गाइस ड्राई फ्रूट्स भिगा के खाना चाहिए, इससे क्या होता है मम्मी, इससे ताज़त आता है। उसको भिगा के इसका जो पानी है वो भी पी लेना चाहिए। तो इधर हमारी रात की रोटियां सिक चुकी हैं, जो कि हम नाश्ते में खाने वाले हैं। हम रात की रोटियां हम हमेशा रात की रोटी खाते हैं, बची कुची और खिचड़ी खाते रहते हैं, जैसे कि ब्लॉग में देखा होगा आपने। मम्मी दिन भर खिचड़ी खिलाती है और रात की बची हुई रोटियाँ ही खिलाती है। गरीब लोग ऐसे ही खाना खाते हैं, ठीक है मम्मी, समझ गई। मम्मी इतना गरीब नहीं है तो अमीर लोगों की तरह खाना खाते, अमीर लोग भी खाते हैं मम्मी रात की बासी रोटी, ऐसी बात नहीं है। रोटी जितनी बासी खाओगे उतना उसमें विटामिन आ जाते हैं। बासी रोटी 3-4 दिन की भी खानी चाहिए, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन होती है। तो गाइस आज हम आए हैं सोमवार के दिन पहाड़ी शिव मंदिर में। इतनी सीढ़ी में चढ़ चुकी हूँ और इतनी बाकी है बस। तो गाइस मैं आई हूँ आज पहाड़ी शिव मंदिर में। ये पीछे का व्यू है कुछ ऐसा। तो हमने यहाँ चप्पल उतार दिए हैं और हम जा रहे हैं आगे। पहले हम जाएंगे शिव मंदिर में। ये पकड़ ले, बनाते रहना बस। इससे जल लेके चढ़ा देते हैं। जल है, जल नहीं है, जल लेने कहाँ जाए। इधर 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 टंकी का। खाली नल चलाना पड़ेगा, कट कर करके बना। तो गाइस सतीश गया है जल लेने नल में। Thank you.
ये बना रहा हूँ ना। सुलोमो बना दे का काट के। इसमें तेल भी लगाते हैं लगता है। यह सारे ग्रहों के मूर्तियां हैं, शनि राहु शुक्र केतु गुरु सारे देवता हैं यहाँ पे। वो रोड से आते ना अपन अपने घर में वहां से चल स्लोमो बना देते एक मेरा काट के।